वेलकम बैक। और वीडियो थोड़ा सा सीरियस है, अच्छे से देख लेना, क्योंकि मैं खुद इंस्टाग्राम और यूट्यूब की वीडियोस देख के मैंने फ्लिपकार्ट से सैमसंग EF54 को बाय किया था। बट आफ्टर लगभग 11-12 दिन हो चुके हैं यूज करने के बाद ना, इतना निराश किया है कि मैं वही सोच रहा था कि 30,000 में ये कहाँ जस्टिफाई करता है। तो ये फोन लेने की सोच रहे हो तो भाई कंप्लीटली वीडियो देख लेना, जितने इसके पॉजिटिव पॉइंट है उतने इसके निगेटिव और एवरेज पॉइंट भी देखने को मिल जाते हैं। और ये फोन लेने से पहले सब कुछ आपको पता होना चाहिए। मेरा नाम है मदन और मैं इसी करता हूँ मैक्स फोन बाय करके आपके लिए हॉनेस्ट वीडियोस या रिव्यूज लेके आने की कोशिश करता हूँ। अपने चैनल पे जाके आप देख सकते हो, अलग अलग कंपैरिजन, गेमिंग टेस्ट, कैमरे टेस्ट में करता रहता हूँ। तो सबसे पहले अपने स्टाइल में इस फोन के पॉजिटिव पॉइंट, एवरेज पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट। तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं पॉजिटिव पॉइंट से। तो सबसे पहला पॉजिटिव पॉइंट आता है इसका सॉफ्टवेयर। जितना मैंने इसको यूज किया, UI 5.1 फुल वर्जन देखने को मिलता है, बिल्कुल लैग नहीं, स्टटर नहीं, एनिमेशन भी बहुत ज्यादा स्मूथ देखने को मिल जाते हैं। और उसके बाद मैंने चेक किया कि इसके अंदर एड्स वगैरह देखने को मिलती है कि नहीं, तो यहाँ पे मुझे सेटिंग्स के अंदर वगैरह एड्स नोटिस नहीं हुई। बट इसके होम स्क्रीन के ऊपर एक वीज आ रहा था और वीड्स के अंदर मुझे Amazon Prime का सजेशन दे रहा था, बट जैसे उसको मैंने रिमूव किया बाद में मुझे कोई ऐड नोटिस नहीं हुई। इवन मैंने इसका फाइल मैनेजर वगैरह चेक किया तो उसके अंदर भी कोई ऐड नहीं थी। बट यहाँ पे मैंने देखा कि इसके ऐप ड्रॉअर के अंदर बहुत सारे प्री इंस्टॉल एप्स देखने को मिलते हैं और उनको आपको अनइंस्टॉल करना पड़ेगा। और UI 5.1 फुल वर्जन देखने को मिलता है तो इसके अंदर आपको सिक्योर फोल्डर देखने को मिल जाता है, सैमसंग पे का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है, थीम्स वगैरह आप इसके अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे यार भर भर के फीचर्स इसके अंदर देखने को मिल जाते हैं। उसके साथ इसके अंदर आपको कॉल रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे जितना मैंने चेक किया 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट बहुत ही ज्यादा स्मूथ है और सिस्टम में या और थर्ड पार्टी एप्स में भी बहुत अच्छे से काम करता है, जैसे कि यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, ट्विटर हो गया, यहाँ पे कोई भी आपको या 120 हर्ट्ज से 60 हर्ट्ज पे शिफ्ट हो गया ऐसी कोई दिक्कत देखने को नहीं मिलती, स्मूथ एक्सपीरियंस देखने को मिल जाता है। उसके बाद सेकंड पॉजिटिव पॉइंट आता है भाई इसका डिस्प्ले। 6.7 इंच का आपको एक सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाता है, फुल HD का रिजोल्यूशन देखने को मिलता है। और जितना मैंने चेक किया इंडोर ब्राइटनेस भी आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाती है, बट आउटडोर में जाते हो और हर्च लाइट कंडीशन में यहाँ पे दिक्कत होती है, इतना भी ज्यादा ब्राइट डिस्प्ले नहीं है, आपके ऐसा हाथ रखना पड़ेगा। बाकी नेटफ्लिक्स पे HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, वाइड वन एलोन भी देखने मिलता है, तो HD में तो वीडियो स्ट्रीम कर सकते हैं। उसके साथ मैंने चेक किया कि यूट्यूब पे 4K HDR कैसे प्लेबैक करता है, तो यहाँ पे यार लैग देखने मिलता है, बहुत ही तगड़ा लैग आता है, 4K HDR वीडियोस यूट्यूब पे प्लेबैक नहीं है। हाँ, आप 1080p HDR वीडियो प्लेबैक करते हो तो स्मूथनेस आती है वीडियो के अंदर, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। और सैमसंग के कलर सैचुरेशन वगैरह मस्त होते हैं, यहाँ पे कंटेंट वॉचिंग के लिए आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ओवरऑल डिस्प्ले आपको मस्त देखने मिल जाता है। बट यहाँ पे दिक्कत यह है कि यार डिस्प्ले तो AMOLED है बट आपको फिजिकल साइड माउंटेड यहाँ पे फिंगरप्रिंट देखने मिलता है, हालांकि इसका स्पीड आपको गजब का और फास्ट देखने मिलता है, बट यार इन डिस्प्ले होता तो मजा आता। उसके बाद यार मैंने चेक किया इसके हैप्टिक्स, तो वाइब्रेशन मोटर आपको टक टक वाली फील देती है और यहाँ पे आप मतलब कुछ टाइप कर रहे हो तो यहाँ पे ना आपको टक टक एक्सपीरियंस आ जाएगा। बट यार ये इतने भी ज्यादा सॉफ्टवेयर के साथ इंटीग्रेटेड नहीं है, जैसे कि आप यार यहाँ पे ऐप ड्रॉअर के अंदर जाके पेजेस को ऐसे स्क्रॉल करते हो तभी टक टक फील नहीं आता है और इंटेंसिटी थोड़ी सी कम देखने मिलती है। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है नेटवर्क कनेक्टिविटी। यहाँ पे जितना मैंने चेक किया 4G+ का टकाटक सपोर्ट आता है और सैमसंग में जो यार दिक्कत रहता है ना नेटवर्क का, तो वो दिक्कत इसमें नहीं है। इवन मुझे S23 अल्ट्रा से भी बेटर नेटवर्क कनेक्टिविटी मेरे लोकेशन में इसमें देखने मिल रही थी। और उसके साथ यार यहाँ पे 10-11 5G के बैंड्स भी देखने मिलते हैं और यहाँ पे भी कभी कभी 5G पकड़ लेता है और स्पीड भी मुझे बहुत मस्त देखने मिला, तो ओवरऑल कॉल क्वालिटी या इंटरनेट स्पीड में मुझे कोई दिक्कत देखने को नहीं मिली। नेक्स्ट पॉजिटिव पॉइंट है भाई इसकी 6000mAh की बड़ी बैटरी। हाँ गाइस, जितना मैंने टेस्ट किया था 100% ब्राइटनेस रखा था, यहाँ पे यार 120 हर्ट्ज़ का रिफ्रेश रेट भी ऑन था, डार्क मोड को मैंने इनेबल किया था, नो गेमिंग, ओनली नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, तो मुझे ऑन स्क्रीन लगभग 50% गाइज मैंने 5G पे फोन रखा था, 50% फोन मैंने 4G पे यूज किया था और 1 आवर के आसपास मुझे 5G के ऊपर मैंने हॉटस्पॉट भी क्रिएट किया था अदर फोन को इंटरनेट देने के लिए, तभी मुझे ऑन स्क्रीन लगभग 7 आवर 34 मिनट्स के आसपास मिला था। तो मेरे ये हेवी यूजेस थे, आप नॉर्मली यूज करते हो फोन को तो लगभग 7.5 से लेकर 9.5 घंटे के बीच में आपको ऑन स्क्रीन देखने को मिल सकता है, तो बैटरी लाइफ काफी कमाल की है, क्योंकि 6000mAh की बड़ी बैटरी दी है तो बैटरी ऑफकोर्स आपको अच्छी देखने मिल जाएगी। बट यहाँ पे यही थे इस फोन के पॉजिटिव पॉइंट। और अब यहाँ पे यार बहुत सारे एवरेज पॉइंट देखने मिल जाते हैं। तो सबसे पहला एवरेज पॉइंट है भाई इसकी डिजाइन। कैसे? तो ये जो बैक पैनल यूज हुआ है और इसमें जो प्लास्टिक इन्होंने यूज किया है ना, एकदम थर्ड क्लास क्वालिटी का प्लास्टिक यूज किया है, इजिली इसके ऊपर स्क्रेचेस आते हैं इजिली। आपको यार सबसे पहले बैक कवर इसके लिए ढूंढना पड़ेगा। अब पहले से मैंने फोन को क्या किया था, जैसे फोन मेरे पास आया था तो टेम्पर ग्लास मैंने लगाया क्योंकि इसके साथ नहीं आता है, और उसके बाद जब भी फोन रखने की बारी आती थी तो मैं डिस्प्ले के ऊपर रखता था क्योंकि बैक पैनल मुझे पता है कि इसके ऊपर स्क्रैचेस आएंगे। इतना केयर करने के बावजूद भी यार इसके ऊपर धीरे धीरे स्क्रैचेस आ रहे हैं और उसके साथ यार इतना फास्ट गंदा होता है ना, ये देख लेना पूरा ऑयली ऑयली हो चुका है और फिंगर के वगैरह निशान तो इजीली इसके ऊपर आते हैं। उसके साथ साइड फ्रेम तो पूरी की पूरी प्लास्टिक की देखने मिलती है, इवन पूरा फोन आपको प्लास्टिक बॉडी के साथ ही देखने को मिल जाता है। उसके साथ 199 ग्राम का ये फोन आता है, लगभग 200 ग्राम के आसपास। हाँ, इतना ज्यादा यार इसका वेट डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा है, इतना ज्यादा हेवी फील नहीं होता है। अब 6000mAh की बड़ी बैटरी दी है तो हाँ वेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और सामने से बात करें, सामने से डिजाइन की, तो आपको इस प्राइस रेंज में यार हाँ बड़े बड़े बेजल्स देखने
देखने मिलते हैं। अब यार इस प्राइस रेंज में बहुत सारे फोन कर्व डिस्प्ले के साथ आते हैं, बट कर्व डिस्प्ले छोड़ो यार, कम से कम बेजल्स तो कम करने चाहिए थे। नीचे के बेजल्स आपको थोड़े बड़े यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं, तो ओवरऑल जो डिजाइन है ये आपको एवरेज से ही देखने को मिल जाएगी। सेकंड एवरेज पॉइंट है भाई इसका कैमरा। कैसे अभी यहाँ पे यार जितना मैंने कैमरा को टेस्ट किया, बहुत सारे लेटेस्ट फोनों के साथ कंपेयर किया था, वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं, बट 108 मेगापिक्सल, उसके साथ 8 मेगापिक्सल अल्ट्रा वाइड, उसके साथ 2 मेगापिक्सल का सेंसर और सेल्फी कैमरा 32 मेगापिक्सल की इसके अंदर देखने मिलती है। जितना मैंने टेस्ट किया आपको, मतलब इन शॉर्ट बताऊं तो यार नॉर्मल शॉट में वगैरह कोई दिक्कत नहीं आती और 108 मेगापिक्सल में भी डिटेल्स आती है, बट जैसे आप हर्श लाइट कंडीशन में फोटोज लेते हो तो यार चेहरे को पूरा का पूरा डार्क बना देता है, चेहरे के ऊपर बिल्कुल डिटेल नहीं आती। और जैसी गाइज लो लाइट होती है, मतलब बहुत ही कम लाइट होती है, आप अंधेरे में फोटो खींचते हो तो इसका जो नाइट मोड है बहुत ही बेकार परफॉर्म कर लेता है, बिल्कुल लाइट कैप्चर नहीं कर पाता। तो इस फोन से आपको बेटर फोटोज लेने हैं तो मॉडरेट लाइट कंडीशन होनी चाहिए, ना ज्यादा लाइट ना ज्यादा कम लाइट, तभी इस फोन से बेटर फोटोज आते हैं। जैसे कि गाइस मैंने Vivo V27, Moto H40, Realme 11 Pro Plus के साथ इसका कैमरा कंपैरिजन किया था, तो यार Vivo इससे बेटर परफॉर्म कर रहा था और वो वीडियो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। ओवरऑल जो कैमरा परफॉर्मेंस है इस फोन का इतना भी कुछ खास नहीं है प्राइस के अकॉर्डिंग। हाँ, वीडियो के अंदर आप 4K 30fps से शूट कर सकते हो, 1080p 60fps से शूट कर सकते हो और वहां पे भी EIS का यूज करके ये वीडियो को स्टेबलाइज कर लेता है। और थर्ड एवरेज पॉइंट है भाई इसका स्पीकर। हाँ, सिंगल स्पीकर आता है, बहुत ज्यादा लाउड है, बट यार ड्यूल स्पीकर का जो मजा होता है वो इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता। अब इस प्राइस रेंज में बहुत सारे फोन यार Realme 11 Pro Plus हो गया, Pro हो गया, आपको ड्यूल स्टीरियो स्पीकर देते हैं, बट इस फोन में आपको सिंगल स्पीकर देखने मिलता है, वो भी 30,000 पे करने के बाद भी। ड्यूल होता तो मजा आता, हाँ सिंगल है बट लाउड है, आप इजीली सुन सकते हैं, बट ड्यूल का मजा अलग ही होता है। तो ये तीन थे भाई इस फोन के एवरेज पॉइंट, बट अब एक दो तगड़े नेगेटिव पॉइंट इस फोन के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहला नेगेटिव पॉइंट है भाई इस फोन की गेमिंग परफॉर्मेंस। कैसे, अब इसके अंदर आपको Exynos 1380 देखने को मिल जाता है, ये नॉर्मल टास्क के लिए बहुत अच्छा है और 8GB रैम और 256GB स्टोरेज के साथ आता है, तो प्रोसेसर के लिए यहाँ पे नॉर्मल टास्क के लिए कोई दिक्कत नहीं होती। और इसके AnTuTu लगभग आपको 4.5 से लेकर 5 लाख के बीच में AnTuTu 9.5.5 में देखने को मिल जाते हैं। और CPU थ्रॉटलिंग में भी ग्राफ मुझे ग्रीन देखने को मिला, 80% की परफॉर्मेंस देखने को मिल रही थी, बट एवरेज IPS स्कोर 1,75,000 के आसपास थे। तो नॉर्मल टास्क के लिए प्रोसेसर कोई दिक्कत नहीं करता, बट आप जैसे ही गेमिंग स्टार्ट करते हो तो भाई पूरा का पूरा परफॉर्मेंस ये ड्रॉप कर देता है। अब जितना मैंने BGMI ट्राई किया था, BGMI के अंदर आपको स्मूथ प्लस हाई, मतलब ओनली स्मूथ में 25-30 FPS का ही सपोर्ट देखने मिलता है, स्मूथ प्लस अल्ट्रा भी देखने नहीं मिलता, मतलब स्मूथ में 40 FPS का भी सपोर्ट नहीं है, तो 60 FPS तो दूर की बात है, और 30 FPS भी अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता, यहाँ पे यार गेमिंग बहुत ही बेकार कर लेता है। तो नॉर्मल गेमिंग करनी है तो ठीक है भाई, बट BGMI जैसे गेम आप इसके अंदर ट्राई करोगे तो ये दम तोड़ देगा, बिल्कुल गेमिंग के लिए फोन रिकमेंडेड नहीं है, वैसे सैमसंग के फोन गेमिंग के लिए नहीं होते हैं, तो ये चीज है। उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम है भाई, इसके साथ कोई चार्जर इनबॉक्स देखने को नहीं मिलता, चार्जर के साथ कोई कवर भी नहीं आता, और उतना छोड़ो कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर फोन के ऊपर नहीं मिलता, तो फोन पूरा का पूरा सैमसंग से नंगा ही भेज देता है, ऐसे ही बोलूंगा मैं। और यहाँ पे गाइस दिक्कत है चार्जिंग स्पीड की। अब यार 6000mAh की बड़ी बैटरी दी है और 25W के सैमसंग के चार्जर के साथ इसको चार्ज करते हो तो फोन को लगभग चार्ज होने में 1 आवर 47 मिनट से लेके 1 आवर 50 मिनट्स लग जाते हैं, और आपके एरिया में टेम्परेचर ज्यादा है तो पकड़ के चलो कि 2 घंटे के आसपास चार्जिंग टाइम इसका चला जाएगा। अब ये जो 2 घंटे का समय ले रहा है चार्जिंग के लिए, इसमें अदर इस प्राइस रेंज में इतने तगड़े फास्ट चार्जिंग के साथ फोन आ रहे, यार 2-3 घंटे में वो 4-5 टाइम 0-100% चार्ज हो जाएंगे। सैमसंग को यार अपनी चार्जिंग का जो स्पीड है वो इंप्रूव करना चाहिए। सो फाइनल कंक्लूजन, क्या 30,000 देके इस फोन को बाय करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आपको मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूं तो आप यार सैमसंग लवर नहीं हो और आप सैमसंग के फोन इतने ज्यादा पसंद नहीं करते हो और आप फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हो सैमसंग का फोन लेने के लिए, तो इस फोन की तरफ तो मत जाना, बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। एट द एंड यही कह सकता हूं कि जिनको सैमसंग के फोन पसंद आते हैं वही लोग इसकी तरफ देख सकते हो, बट जिनको सैमसंग के फोन नहीं पसंद आते और फर्स्ट टाइम सैमसंग के लिए ट्राई कर रहे हो तो भाई इस फोन से आपको दूर रहना चाहिए। बाकी ऐसे अपने स्ट्रेट फॉरवर्ड लैंग्वेज में कौन सा फोन का रिव्यू चाहिए जरूर नीचे कमेंट कर सकते हो, और भाई ऐसे रिव्यूज करने के लिए खुद फोन बाय करने पड़ते, पैसे लगाने पड़ते, तो आपको अप्रिशिएट करना है तो लाइक जरूर करना, और ये वीडियो जितना हो सके आप शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ जिनको ये फोन लेना है या जिनको सैमसंग का फोन लेना है। बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और जो भी आपके सजेशन फीडबैक हो नीचे जरूर कमेंट कर सकते हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।